Hello children, standard 4. Today again I am going to teach you chapter 4, 12 adjectives. आपको मैंने पहले पार्ट में adjectives की दो exercises करवाई थी, A और B. और फिर बाद में मैंने C और D को मैंने omit करवाई थी, B A करवा दी थी और I think B और C मैंने omit कराई थी और D को मैंने आपको करवा दिया था. Now we are going towards other exercises. जैसे मैंने आपको बताया था कि adjectives is we are describing about noun. Noun के बारे में describe करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज वेरी हैंडसम. तो फादर इज हैंडसम मीन हैंडसम यू आर ट्राइंग टू शो दैट डिस्क्राइबिंग अबाउट योर फादर दैट योर फादर इज वेरी स्मार्ट हैंडसम. तो दैट इज एडजेक्टिव. माई मदर इज वेरी ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव. नाउ सी आई हैव रिटन एक्सरसाइज हियर. यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू कि यू हैव टू राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड एडजेक्टिव फॉर्म ऑन द ब्लॉक्स इन विच सिमिलर मीनिंग टू वन अंडरलाइन सेंटेंस. यहाँ पे जो मीनिंग यहाँ पे जो अंडरलाइन किया वर्ड दिया है उसकी सेम जो मीनिंग होती है वो हमको यहाँ उसका आंसर में अंडरलाइन या डैश में लिखना है. सो आई हैव रिटन इट फॉर यू एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. फातिमा लुक्स ब्यूटीफुल इन पिंक ड्रेस. वी आर टॉकिंग अबाउट फातिमा. शी फातिमा द लेडी लुक्स ब्यूटीफुल इन पिंक ड्रेस. वो पिंक ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है. तो ब्यूटीफुल का हमने उसका अदर वर्ड हम डिस्क्राइब करेंगे तो ब्यूटीफुल का उसका सेम मीनिंग क्या आएगा. प्रिटी. प्रिटी यानी बहुत प्यारी लग रही है. शी शुड नॉट बी क्रूअल टुवर्ड्स एनिमल. हम लोगों को जानवर के प्रति बहुत बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए. तो क्रूअल का दूसरा क्या होता है अनकाइंड. यानी उसका भी वही मीनिंग होता है अनकाइंड. यानी हम बहुत लोगों की आदत होती है वो लोग पत्थर मारेंगे डंडे से मारेंगे लात मार देंगे. दैट मीन्स वी आर शोइंग अवर क्रुएलिटी. हम क्रूअल बन के उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमको अनकाइंड यानी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए जानवरों के साथ. ओके. माई आंट शाउट्स एंड शी इज अनॉयड. मेरी आंटी शाउट चिल्लाती है व्हेन शी इज अनॉयड. जब वो बहुत चिल्ली हुई होती है तो अनॉयड का दूसरा होता है मीनिंग सेम इरिटेटेड. यानी जब बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है तो मेरी आंटी शाउट करती है. माया इज ए क्वाइट चाइल्ड. माया इज अ गर्ल. शी इज अ वेरी क्वाइट चाइल्ड. क्वाइट यानी बहुत शांत रहती है. तो क्वाइट का मीनिंग होता है सेम टिमिड. आई वॉज एबसेंट बिकॉज आई वॉज अनवेल. मैं आई वॉज यानी मैं अपने बारे में बात करूँ. आई वॉज एबसेंट. मैं एबसेंट थी बिकॉज आई वॉज अनवेल क्योंकि मैं सिक मैं बीमार थी. ओके. तो अनवेल का सेम मीनिंग होता है सिक. नाउ द एलिफेंट इज ए ह्यूज एनिमल. वी आर टॉकिंग अबाउट एलिफेंट. इट इज अ वेरी ह्यूज एनिमल. बहुत बड़ा सा एनिमल है. तो ह्यूज का सेम मीनिंग होता है बिग. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड्स चैप्टर नंबर 7. द सोल्जर्स. द सोल्जर्स वेर वेरी करेजियस. द सोल्जर्स वेर वेरी करेजियस यानी बहुत बहादुर. करेजियस का मीनिंग यानी बहुत बहादुर. तो करेजियस का मीनिंग क्या होता है सेम ब्रेव. ब्रेव यानी बहादुर. द फूड वॉज वेरी टेस्टी. खाना बहुत स्वादिष्ट था. तो टेस्टी का मीनिंग होता है डिलीशियस. सेम मीनिंग होता है डिलीशियस. नाउ हियर आर सम अपोजिट वर्ड्स आई हैव रिटन यू दैट यू हैव टू डू इन द टेस्ट बुक. ग्रिड में से आपको सर्कल करना है और फिर उसको लिखना है. तो लॉन्ग का क्या होगा अपोजिट शॉर्ट. एल ओ एन जी लॉन्ग. तो एस एच ओ आर डी शॉर्ट. एस एम डबल ए स्मॉल. बी आई जी बिग. छोटा का यानी बड़ा. लॉन्ग लंबा यानी छोटा. ओ एल डी ओल्ड यानी बूढ़ा. यंग यानी वाई जी यंग यानी बहुत नौजवान. एच ई डी वाई हैवी हैवी यानी बहुत भारी. एल आई जी एच ई लाइट यानी बहुत हल्का. पी डबल ओ आर पुअर. पुअर यानी बहुत गरीब. आर आई सी एच एच यानी बहुत पैसे वाला. पी आर ई एस एनडी प्रेजेंट यानी आया हुआ है. जैसे क्लास में आप लोग जो अपना प्रेजेंस मैडम पूछती है अटेंडेंस पूछती है तो आप येस मैडम प्रेजेंट मैम. और अगर नहीं आया तो ए बी एस ए डी एबसेंट यानी नहीं आया है. एस डब्ल्यू स्वीट. स्वीट यानी मीठा. बी आई डबल टी एफ बिटर यानी कड़वा. बी आई वी ब्रेव. ब्रेव यानी बहादुर. सी ओ डब्ल्यू आई डी कॉवर यानी कायर. ओके. आई थिंक दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू. बट अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस एक्सरसाइज. ये वाली जो मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई उसमें ये लिखा है कि राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. जहाँ पे वहाँ पे जो स्पेस प्रोवाइड की है उस स्पेस में आपको आंसर लिखना है एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स विच सिमिलर मीनिंग. जिसका सेम मीनिंग होता है और अंडरलाइन किया हो. अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है फॉर एग्जाम्पल इफ दिस क्वेश्चन इज कमिंग योर पेपर तो ये वर्ड होगा फातिमा लुक्स ब्यूटीफुल इन पिंक ड्रेस. तो यहाँ पे ब्यूटीफुल अंडरलाइन होगा. तो ब्यूटीफुल का सेम वर्ड क्या होता है प्रिटी. यू हैव टू राइट हियर ब्यूटीफुल द सेम मीनिंग इज प्रिटी. वी शुड नॉट बी क्रूअल टुवर्ड्स एनिमल. क्रूअल का क्या होगा अनकाइंड यानी बुरा व्यवहार नहीं करना है. माय आंट शाउट्स व्हेन शी इज अनॉयड. अनॉयड का इरिटेटेड यानी चिढ़ना. माया इज अ क्वाइट चाइल्ड. शांत. क्वाइट का होगा टिमिड. इट वॉज एबसेंट. आई वॉज एबसेंट बिकॉज आई वॉज एनवल. मैं एबसेंट था स्कूल नहीं गया बिकॉज आई वॉज एनवल. तभी ठीक नहीं थी तो यानी सिक बीमार हुई है अच्छा नहीं लग रहा है. द एलिफेंट इज ए ह्यूज एनिमल. एलिफेंट आप सबने देखा होगा जिसमें इट इज अ वेरी ह्यूज है. बहुत बिग एनिमल होता है और हाइटेड होता है. तो ह्यूज यानी बड़ा सा. तो ह्यूज का सेम मीनिंग होता है बिग.
ब्रेक का क्या हो, उसका सेम मीनिंग होगा क्या, ब्रेक बहादुर। द फूड वॉज वेरी टेस्टी, खाना बहुत लजीज था, तो टेस्टी डिलीशियस सेम मीनिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम ऑपोजिट वर्ड्स, हियर इट इज गिवन इन द बुक। आपको ये लॉन्ग शॉर्ट करना है, साइड में लिखना है और इस ग्रिड में जो दिया हुआ है इसमें आपको सर्कल करना है ये वर्ड्स को बनाए। तो एलो इंजी लॉन्ग ऐसे छोटी शॉर्ट, लॉन्ग यानी लंबा, शॉर्ट यानी लॉन्ग यानी देखो जैसे ये बहुत लंबा और शॉर्ट यानी बहुत छोटा सा। एस एन एस स्मॉल, स्मॉल यानी बहुत बड़ा और बिग यानी स्मॉल यानी बहुत छोटा, सॉरी बी आई जी बिग यानी बहुत बड़ा, ओ एल जी ओल्ड यानी बहुत बूढ़ा और वाई एन जी यंग यानी नौजवान। एक्चुअली वी आर हैवी, हैवी यानी बहुत ज्यादा वेट है जिसका, और लाइट यानी चौक कितना लाइट है सीधा सी। पी डबल आर पुअर यानी बहुत गरीब, आर आई सी एच रिच यानी पैसे वाला, पी आर एस ए डी प्रेजेंट यानी आया हो, आया जैसे क्लास में आप प्रेजेंट होते ना, यस मैडम प्रेजेंट मैडम हो, और एबसेंट यानी नहीं आए हो। स्वीट एस डबल यू स्वीट यानी मीठा, बी आई टी आर बिटर, बिटर यानी आप लोग जो करेला खाते हो करेले की सब्जी को, और बिटर अगर करेला वैसे भी कच्चे अगर आप चखो तो बहुत कड़वा होता है। बी आर ए डी ब्रेव यानी बहादुर, और सी ओ डब्ल्यू आर डी कॉवर्ड यानी कायर। तो आई थिंक दिस लेसन इज क्लियर टू यू, यू मस्ट बी नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेसन। ओके नाउ लेट मी बिफोर स्टॉपिंग दिस चैप्टर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इट्स रिवाइज वंस मोर। आई एम एडजेक्टिव, मैं एडजेक्टिव हूँ यानी इधर बता रही, आई एम एडजेक्टिव, और मैं क्या करती हूँ मैं नाउन के बारे में डिस्क्राइब करती हूँ। गार्डन इज ब्यूटीफुल, द फ्लावर इज वेरी वेरी कलरफुल, द स्वीट इज वेरी स्वीट टेस्टी, द बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, द बॉय इज वेरी क्रूअल, द गर्ल इज वेरी प्रिटी, माय येलो ड्रेस इज वेरी नीट एंड क्लीन, और शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन पिंक ड्रेस। ओके तो इस तरह से हमको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और नाउन के बारे में बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको पूरा बताया कि शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, माय फादर इज अ डॉक्टर, माय मदर इज अ टीचर, माय ब्रदर इज वेरी नॉटी, माय सिस्टर इज वेरी शाई, इमोशन में ये स्वभाव की, तो ये सारी क्वालिटी डिस्क्राइब जो करते हैं नाउन के बारे में उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो आपका होमवर्क होगा कि आपने लेसन को अच्छे से रीड करना, समझना, और जब आपके पास ये वीडियो जाएगा तो आपका ये होमवर्क भी सेंड हो जाएगा और आप लोग की टेस्ट पेपर लिख सकते हो। यू कैन गो मेंटेन दिस इन नोटबुक ऑल्सो एडजस्ट।